हेलो दोस्तों, मैं नदी मंजू आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। दोस्तों आज जो है हमारा जो एक टॉपिक है वो टॉपिक है स्क्रू ड्राइवर का। मेरा एक लास्ट टॉपिक हो चुका था जिसमें मैंने आपको वहां पर स्क्रू ड्राइवर का डिफिनेशन बताया था और वहां पर आपको पार्ट्स के बारे में डिटेल किया था। दोस्तों आज जो है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आज हम आपको यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्क्रू ड्राइवर के टाइप्स का, तो ये कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू यूज। आपका कैसा पर्पस है, कैसा आपको यूज करना है, कहाँ पर उसको यूज करना है, उसके हिसाब से जो है स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, उसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहला स्क्रू ड्राइवर का अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्क्रू ड्राइवर है वो है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, जो मैन्युअली हम लोग जो है घर में भी यूज करते हैं और बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा, हर जगह वो अवेलेबल होता है। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर फ्लैट वाला, ठीक है, जिसके आगे का पोर्शन जो है फ्लैट रहेगा। दूसरा है फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर। फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर का मतलब ये है कि कोई फ्लिप्स स्क्रू, ठीक है, फ्लिप्स स्क्रू होता क्या है, तो फ्लिप्स स्क्रू जो है जो स्क्रू के ऊपर में स्टार बना हुआ रहता है, स्टार मतलब आपका जो घाट जो बना हुआ रहेगा, जैसे ये मैंने अगर फ्लैट का बात करें तो इसमें एक ही बना हुआ रहता है इस टाइप का, ठीक है ना। अगर हम बात करें फ्लिप्स का तो ये आपका जो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इस तरह का बना हुआ रहेगा दो क्रॉस सेक्शन में करके, इसको हम लोग स्टार स्क्रू ड्राइवर क्या बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं, ठीक है ना, स्टार स्क्रू। तो इसको नाम दिया गया है फ्लिप्स, ठीक है, ये फ्लिप्स स्क्रू है लेकिन इसमें जो घाट बना हुआ रहता है वो स्टार बना हुआ रहता है। यही इसी का यहाँ पर एप्लीकेशन है, इसी का यही स्क्रू खोलने के लिए यहाँ पर जो है फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर का यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेचेट स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, एक क्या है, फिटमेंट है ये। फिटमेंट मतलब ये है कि जो स्क्रू ड्राइवर होता है, हैंडल होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। जो स्क्रू ड्राइवर जैसे मेरे आप ये देख रहे हैं, ये हैंडल है, ठीक है, और ये स्क्रू ड्राइवर के आगे का पोजिशन है, ठीक है, तो ये दोनों का फिटमेंट के साथ ये बनता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेचेट स्क्रू ड्राइवर। आज हम बात करें आगे का ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट मतलब कि इसका जो आप बात करें इस टाइप का आपका होगा, ठीक है, वो अपोजिट में दोनों 90 डिग्री में मुड़ा हुआ रहेगा, अपोजिट में दोनों समकोण में रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री में, और एक पोजीशन में आपका यहाँ पर क्या बना हुआ रहेगा, स्क्रू ड्राइवर का जो होता है पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ पर बना हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर, तो वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो क्या, छोटा छोटा इक्विपमेंट, जैसे मोबाइल आप कभी बनाने दिए होंगे या घड़ी आप बनाने दिए होंगे, वॉच मेकर का साउंड वही चीज बता रहा है। तो जहां स्क्रू ड्राइवर, जहां आपका ये सब स्क्रू ड्राइवर जहां पर यूज नहीं हो पाता, वहां पर वॉच मेकर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत छोटा छोटा स्क्रू रहता है, उसको खोलने के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, अगर हम यहाँ बात करते हैं स्टार्टिंग से, हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेकर आपके यहाँ तक पहुंचा दिया है, अब मैं वन बाय वन करके अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। कितने टाइप का यहाँ पर मैंने बताया, पांच टाइप का बताया, पहला फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर और वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। अब हम लोग यहाँ पर पहला वाला डिस्कस करते हैं, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। लास्ट वीडियो में जाइए, ध्यान दीजिए क्या मैंने बताया, बताया था वहां पर मैंने एक हैंडल भी ड्रॉ, यहाँ पर मैंने स्क्रू ड्राइवर ड्रॉ भी किया था फ्री स्केच में, आप लोगों ने देखा था, उसमें मैंने लकड़ी का हैंडल लगाया था, तो उस टाइप का आपको वो स्क्रू ड्राइवर जो है बड़ा साइज में आपको मिलेगा, ठीक है ना। जहां पर अगर हम बात करें फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का, इसका अपना दो सब डिवाइडेड है, ठीक है, इसका सब डिवाइडेड मतलब जहां आपको हैवी वर्क करना है उसके हिसाब से स्क्रू ड्राइवर है, जहां आपको लाइट वर्क करना है वहां पर स्क्रू ड्राइवर। लाइट वर्क मतलब हमको जहां पर छोटा सा स्क्रू, मतलब जहां पर हमको स्मॉल साइज का स्क्रू ड्राइवर को खोलना है, स्क्रू को खोलना है, तो वहां पर जो है हम लोग लाइट स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हैं। कहीं पर मेरा हैवी है थोड़ा, ठीक है, तो वहां पर हम लोग जो है हैवी यूज करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू यूज है, उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आप लोग वहां पर आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करें फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर का, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का दो है, एक हैवी वर्क के लिए, एक लाइट वर्क के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर का, तो फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर को जो है फ्लिप्स स्क्रू खोलने के लिए यूज करता था। फ्लिप्स स्क्रू का वर्ड कहां से आया, फ्लिप्स स्क्रू का वर्ड वहां से आया जहां पर हम जो है स्क्रू के ऊपर में मेरा जो है स्टार बना हुआ रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रू रखा है, ठीक है, आप लोग देख सकते होंगे, इसमें देखिए आपका चार कॉर्नर कटा हुआ, अच्छा फोर, ठीक है, फोर लाइन है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जो है फ्लिप्स स्क्रू है, ठीक है ना। इसको हम लोग पहले, हम लोग क्या है ना कि बचपन से या फिर मैनुअली मैट मेजर से, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार स्क्रू,
लेकिन ये एक्चुअल में इसका जो नाम है, अगर टेक्निकल वर्ड से यूज करेंगे तो ये जो है फिलिप्स स्क्रू है, ठीक है। तो फिलिप्स स्क्रू को खोलने के लिए हमें फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का जरूरत पड़ी। तो इस पर फिटमेंट अगर इसमें स्टार बना हुआ है तो हमको जो है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में भी जो है उसका पॉइंट जो है स्टार बना हुआ रहेगा, तब ना इसका फिटमेंट होगा। तो हम उसको खोलेंगे, क्लॉक वाइज घुमा के, एंटी क्लॉक वाइज घुमा के टाइट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हम करेंगे। अब जो है हम बात करते हैं रैचेट। रैचेट का फिटमेंट होता है पॉइंट जो ये आप आगे का पोजीशन जो देख रहे हैं, सेंक के बाद का जो पोजीशन होता है, हैंडल है ये सेंक है। तो हैंडल जो है आपका देखिए यहाँ पर हैंडल है और ये स्क्रू है। तो इसका क्या है ना, छोटा छोटा साइज में बहुत सारा मिला हुआ रहता है, वो क्या करता है एक दूसरे के साथ फिटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू आपका जैसा यूज होगा। जैसे मेरे पास दो तीन यहाँ पर है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक दो तीन मेरे पास है, ठीक है। ये क्या है, इसका फिटमेंट है, इसके साथ हम लोग इन दोनों को मिला के यूज करते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर यही होता है। इसका जो है छोटा छोटा साइज भी होता है, इसका और छोटा छोटा साइज में भी आता है, बड़ा बड़ा साइज में भी आता है, जैसा आपका यूज है उसके हिसाब से होता है। ये तो हो गया दोस्तों। अब जो है मेरा नेक्स्ट जो है वो है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर में जहां पर मेरा जो है ना स्क्रू ड्राइवर जो है फ्लैट स्लीव और रैचेट ये क्या है वहां पर मेरा एप्लीकेबल, मेरा वहां पर काम नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। कुछ ऐसा जगह है, कंजेस्टेड जगह है जहां पर मेरा ये स्क्रू ड्राइवर वहां पर नहीं पहुंच पा रहा, तो वहां पर जो है हम लोग ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हैं। अगर हम ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का बात करें तो इसका जो है दोनों सिरा जो है, इसका जो दोनों पोजिशन है ये क्या होगा, अपोजिट की तरफ रहेगा। अपोजिट में कितना एंगल में रहेगा, 90 डिग्री में। 90 डिग्री की अगर हम जहां बात करें तो वो क्या हो जाएगा, समकोण, ठीक है। जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था उसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका स्क्रू ड्राइवर रहेगा, पॉइंट बना हुआ रहेगा यहाँ इसके आगे, ठीक है। इसको फिर यहाँ से हम लोग घुमा करके खोलते हैं, ये हो गया क्या आपका ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर के बाद फिर हम बात करेंगे वॉच मेकर। वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर में क्या है, वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर जो है पतला पतला साइज में मिलता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। वो मैं आपको हम समझा कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर हल्का से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। पेन देखे ना, पेन की जैसा यहाँ पर रहेगा और यहाँ से पतला सा स्क्रू ड्राइवर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये साइन के साथ यहाँ पर आपका बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जो है वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। वॉच मेकर मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, वॉच मेकर जहाँ पर घड़ी, घड़ी में आप देख रहे होंगे कितना छोटा छोटा इक्विपमेंट होता है कि नहीं, उसको हम लोग ऐसे देख नहीं पाते, मैग्नीफाई करना पड़ता है उसको। तो उसमें छोटा छोटा जो स्क्रू वगैरह रहता है उसको खोलने के लिए जो हम लोग वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमको लाइट वेट चाहिए, वहां पर हल्का वेट से आपको खोलना, ज्यादा वेट देंगे तो मेरा जो इक्विपमेंट है वही खराब हो जाएगा, ठीक है। आप अपने इसका बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट आपको बताते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आप मोबाइल दिए हुए किसी को बनाने के लिए या कहीं आप, तो आप देखोगे कि वहां पर जो है ये आपका वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर से ही वहां पर उसको इक्विपमेंट को वहां पर जितना भी लगा हुआ उसको खोलता है, ठीक है ना। कवर से लेके सारा स्क्रीन वगैरह जो है उसमें ये वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर से खोलता है। तो ये वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर जो है इसका जो आगे का पॉइंट वो फ्लैट भी होता है और ये फ्लिप भी होता है, दोनों टाइप का। तो ये जितना भी स्क्रू ड्राइवर है वो दोनों टाइप का मिलता है आपका, ठीक है। फ्लिप भी मिलेगा, फ्लैट भी मिलेगा, जैसा आप कहेंगे। क्योंकि हमको पता है कि दो ही टाइप का स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, या तो मेरा ये फ्लैट टाइप का हो जाएगा जिसमें एक ही लाइन रहता है, या तो मेरा फ्लिप हो जाएगा जिसमें मेरा चार लाइन रहता है, ठीक है। ये दोनों ही स्क्रू ड्राइवर जो है आपको मार्केट में मिलेगा, इसके अलावा और नहीं मिलेगा। तो यही दो को हिसाब, इसी यही दो के एप्लीकेशन के हिसाब से जो है यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को डिवाइड किया गया है कि उसको। तो अगर हम बात करें फ्लिप का, फ्लैट का, तो आपको आई होप कि समझ में आएगा दोनों का मतलब क्या है। दोनों को ये रैचेट और ऑफसेट और वॉच मेकर, ये तीनों जो टैप्स है तीनों में जो है फ्लिप और फ्लैट दोनों अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, आपके सामने बताया है, आई होप कि आपको समझ में आए। ये सिर्फ समझने की बात है, समझने की बात यह है कि क्योंकि ये एप्लीकेशन है, कहाँ पर हमको यूज करना है, कैसा यूज करना है, आपको काम करना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर कैसा यूज होगा। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको कैटेगराइज करके समझाने की कोशिश किया हूँ, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है कॉमन हैंड टूल का ही रहेगा, उसका हम लोग जो है पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जी हाँ दोस्तों, वॉइस के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे। उसको मैं आपको दिखाऊंगा भी कौन कौन सा प्रैक्टिकल करके कि कौन कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल उसका कौन सा बना हुआ रहता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर फिटर में हो तो वॉइस आपको हर जगह यूज करना है, और वॉइस क्या है, वॉइस जो है हमको कोई भी जॉब को जो है होल्ड करने के लिए यूज होता है। हम कोई भी जॉब चाहेंगे तो उसको वहां पर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो यूज करता है ये हर जगह अवेलेबल है। आप चाहे वर्कशॉप में काम करें या कोई प्लांट वगैरह कहीं काम करें तो उसके सहायता से ही आप, क्योंकि जॉब पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वॉइस जो है बेस्ट एग्जांपल होता है जॉब पकड़ने के लिए।
उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी फैकल्टी है आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को देखिए। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अपना तैयारी करना होगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आप अगर इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोग देखिए वीडियो को, जो भी बताया जा रहा है सर, जो भी बता रहे हैं। हाँ, आपको पूरा नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, लेकिन स्टैटिक नॉलेज यहाँ तक आपको मिल जा रहा है, जो आपको एग्जाम में आराम से पास करा सकता है। तो स्टैटिक नॉलेज जो भी यहाँ पॉइंट बोर्ड में लिखाया जाता है, उस पॉइंट को राइट डाउन कीजिए, एक कॉपी बनाइए, उस कॉपी में लिखिए उसको, फिर वीडियो देखिए, फिर लिखिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत आपके लिए जरूरत है, मल्टीपल क्वेश्चन का आएगा आंसर, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी तब तक के लिए नमस्कार।